दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन ट्रिमर परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आता है, क्या आपको टाइटेनियम ब्लेड वाली ट्रिमर परचेज करना चाहिए या फिर स्टेनलेस स्टील की ब्लेड वाली ट्रिमर आपको परचेज करना चाहिए। दोनों ही ट्रिमर में से कौन सा ट्रिमर ज्यादा मजबूत होता है, कौन सी ट्रिमर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अगर आपका मन में भी यही डाउट है तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में यही इसी चीज का मैं करने जा रहा हूँ खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnappy.com, हर दिन सीखो कुछ नया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील होता क्या है। दोनों एक्चुअली में ये दोनों होता है कंपोनेंट्स, एक मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से ट्रिमर की ब्लेड को डिजाइन और बनाया जाता है। अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और वही हम अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें तो वो थोड़ा कमजोर होता है और स्टेनलेस स्टील के ब्लेड पे हल्का सा कार्बन का मिक्सचर भी किया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको टाइटेनियम की ब्लेड ही लेना चाहिए, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको ट्रिमर की ब्लेड देख के नहीं, ट्रिमर की परफॉर्मेंस देख के लेना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है नोवा NST 1090 ट्रिमर। तो ये जो ट्रिमर है इस पे आपको टाइटेनियम की ब्लेड मिलती है, ठीक है, जो आपको 1000 रुपए के अंदर में मिल जाती है। और ये है हमारा फिलिप्स BT3211 ट्रिमर जिसपे आपको स्टेनलेस स्टील ब्लेड मिल जाती है। तो अगर हम दोनों के परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो डेफिनेटली फिलिप्स का ट्रिमर जो है वो है विनर, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू नोवा NST 1090 ट्रिमर। ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फास्ट है और इससे आपको फील भी नहीं हो रहा कि आप ट्रिम करते हैं, मतलब इतना सुपर फास्ट स्पीड पे ये ट्रिम करके देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इन द सेम टाइम नोवा का जो ट्रिमर है इस पे आपको टाइटेनियम ब्लेड मिलता है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन एज कम्पेयर टू फिलिप्स तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। गॉट इट। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज दोनों के डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए आपके पास दो ट्रिमर है जिसकी प्राइस 19-20 है, ऑन डेट केस आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रिमर पे टाइटेनियम के ब्लेड है, कौन सी ट्रिमर पे स्टेनलेस स्टील ब्लेड है, और उन दोनों को कंपेयर करके आप आसानी से ट्रिमर जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अदर देन डेट उतना खास डिफरेंसेस नहीं होती है। अगर आप ट्रिमर खरीदना चाहते हैं देन मेक श्योर ट्रिमर की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही ट्रिमर को खरीदे। तो उम्मीद करो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दिल की बात नीचे कमेंट पे लिख के हमें जरूर बताएं। तो फिर दोस्तों इन दोनों ही ट्रिमर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दूंगा, जहां से अगर आप खरीदेंगे तो ये दोनों के दोनों ट्रिमर आपको सबसे सस्ते दाम में तो मिल ही जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को हो जाएगी और इन फ्यूचर ऑन योर रिक्वेस्ट और भी नए नए प्रोडक्ट रिव्यूज में लेके आता रहूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ठीक यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।